নির্বাচন খেলিব যিকোনো দলৰ পৰা হলেও নির্বাচনত অবতীৰ্ণ হ'ব আইপিএস প্রাক্তন আইপিএস আনন্দ মিশ্রই বিজেপিৰ পৰা টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পাছতেই আনন্দ মিশ্রৰ এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা যে যিকোনো দলৰ পৰা বা নির্দলীয় হলেও নির্বাচনত অবতীৰ্ণ হ'ব এইগৰাকী প্রাক্তন আইপিএস আনন্দ মিশ্র আমি সবিস্তারে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ যে নির্বাচন খেলিব আনন্দ মিশ্রই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করলে আনন্দ মিশ্রই যে নির্বাচনত অবতীর্ণ হব আইপিএস আনন্দ মিশ্র যিকোনো দলৰ পৰা হলেও নির্বাচন খেলার সিদ্ধান্ত লৈছে আনন্দ মিশ্রই প্রয়োজন হলে নির্দলীয়কৈ হলেও নির্বাচন খেলিম বুলি মন্তব্য করেছে রাজ্যৰ স্বার্থত এই সিদ্ধান্ত বুলি প্রকাশ করেছে আনন্দ মিশ্রই বক্সাৰ পৰা নির্বাচন খেলার কথা ঘোষণা করেছে প্রাক্তন আইপিএস গৰাকীয়ে মই অন্তকরণে কৈছো যে মই নির্বাচন খেলিম টিকটৰ ভিত্তিত নির্বাচনত অবতীর্ণ হলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হব আর এয়া বক্সার জনতার আত্মসম্মানের কথা মূর আত্মসম্মানের কথা আর বক্সার জনতায় সপন জনতার সপন মই ভাঙিবলে দিব নোৱাৰো অর্থাৎ নির্বাচন খেলিব আনন্দ মিশ্রই এই ঘোষণা করেছে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছে আনন্দ মিশ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে আনন্দ মিশ্রই যিকোনো দলের পৰা হলেও নির্বাচন খেলার সিদ্ধান্ত লৈছে আনন্দ মিশ্রই আর প্রয়োজন হলে নির্দলীয়কৈ হলেও নির্বাচন খেলিম বলে মন্তব্য করেছে আনন্দ মিশ্রই রাজ্যর স্বার্থত এই সিদ্ধান্ত বলে প্রকাশ করেছে আনন্দ মিশ্রই আর বক্সাৰ পৰা নির্বাচন খেলার কথা ঘোষণা করেছে প্রাক্তন আইপিএস গৰাকীয়ে অন্তকরণে কৈছো যে মই নির্বাচনত অবতীর্ণ হব টিকটৰ ভিত্তিত নির্বাচন অবতীর্ণ হওয়াটো বিশ্বাসঘাতকতা করা হব আর এয়া বক্সাৰ জনতার কথা বা জনতার আত্মসম্মানের কথা গতি মই জনতার হয়ে কাম করি জনতার বাবে মই নির্বাচনত অবতীর্ণ হব কিছু মুহূর্তের পূর্বে এনেদরে সামাজিক মাধ্যমের জড়িয়ে তখেতে লাইভ যোগে এই কথা উল্লেখ করা দেখবলে পাওয়া গেছে তখেতে দৃঢ়তারে কৈছে যে মই নির্বাচন খেলিমে আপনাদের জানি লোক যে আনন্দ মিশ্রই নির্বাচন খেলিব ইয়ার নিশ্চিত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছে আনন্দ মিশ্রই আনন্দ মিশ্রই কি কৈছিল মন্তব্য আছে আমি আনন্দ মিশ্রর মন্তব্য শুনাই লওয়ার চেষ্টা করি सबको ये बता रहा हूँ कि मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है मैं सोशल सर्विस में आया हूँ मैं पॉलिटिकल रास्ते से काम करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे मन बना लिया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है तो आप सब जान लीजिए कि यस मैं इलेक्शन लड़ूंगा अब ये चाहे जिस माध्यम से हो बट मैं इलेक्शन लड़ूंगा इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए ये मेरी अंतःकरण की आवाज है और क्यों लड़ूंगा ये भी आप जान लीजिए मैं बहुत सालों से यहां पे अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत करके कुछ ना कुछ मैं एक्टिव रहा हूं लास्ट कुछ महीनों में मैं काफी ज्यादा जुड़ा हूं लोगों से अपनी बात को व्यक्त किया है अपने लोगों की बात सुनी है उनको समझने की कोशिश की और अपनी बात समझाने की कोशिश की इसमें हम दोनों हम समाज में यानी जनता में और मुझमें एक रिलेशन बिल्डअप हुआ जिसमें कि काफी सारे भावनाओं का आदान प्रदान हुआ आशाएं डेवलप हुई कुछ उम्मीदें जागी कुछ कमिटमेंट्स बने और अगर सडनली हम इसी पे काम कर रहे थे कि शायद मेरे विचारधारा के हिसाब से एक पर्टिकुलर पार्टी से मुझे टिकट मिलता और मैं लोगों का सेवा करता और एक बड़े विजन जो देश पे चल रहा है उस विजन को और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने की काबिलियत लेके आया था और यहां पे मैं और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करता पब्लिक इंटरेस्ट में वो रास्ता नहीं हुआ लेकिन वो कमिटमेंट तो है लोगों के साथ जो एक मेरा अंडरस्टैंडिंग है जो भाव जुड़ा है उसको मैं कैसे छोड़ू उसको मैं कैसे दगा देता उसको मैं कैसे कह दूं कि यार जो बात हुई थी बस बात हुई थी टिकट पर डिपेंडेंट था मेरा आपके लिए सर्विस ओरिएंटेशन ये तो गद्दारी होगी ना मुझसे मैं कैसे फिर मेरा गांव है मेरा घर है मुझे आना है मुझे लोगों से इन्हीं लोगों से मिलना है इनके बीच ही रहना है कैसे कर सकता मैं गद्दारी इसीलिए हमारे सारे लोगों से मैं मिला मैं जहां जहां गया सब लोगों ने मुझे यही कहा कि भैया अब ये जो बात है ये बक्सर के सम्मान की बात है यह मेरे पर्सनल सम्मान की भी बात है मेरा पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है मैं इसलिए मैंने थोड़ा वक्त लिया कि देखते हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ना है कैसे करना है तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई इसके रिगार्डिंग कोई गाइडेंस नहीं मिला तो गाइडेंस नहीं मिला तो मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो बैठ नहीं सकता हूं लोग मुझसे रोज पूछ रहे हैं मतलब कि भाई आप क्या कर रहे हो आप हमें धोखा देने वाले हो क्या आपसे बातें हुई थी हमने कुछ सपने देखे थे अपने इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर हमने कुछ प्लान्स बनाए थे उसका हुआ क्या भैया आप क्या करें सारा का सारा यूथ हाउ कैन आई डिच देम तब मैंने फाइनली हमने डिसाइड किया कि नहीं ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ूंगा ये इलेक्शन बक्सर की जनता लड़ेगी मैं सिर्फ एक उनके लिए चेहरा हूं एक नाम हूं
एक बड़े से जो दुकान में जैसे बोर्ड बाहर लगता है, तो बोर्ड है, यहां बक्सर का हर एक बंदा एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है आनंद मिश्रा के नाम से। तो इस बात से मैं अपील भी करूंगा कि यह बक्सर के सम्मान की लड़ाई है। मैंने जो प्रण किया था, मैंने जो आपसे घूम घूम के जब मिला, जब मैं जो भाव व्यक्त किया था, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। आई एम श्योर कि हमारी बक्सर की जनता भी उससे पीछे नहीं हटेगी। मैं आपको बताऊं, देखिए, दिस इज अ डिक्लेरेशन विच आई एम मेकिंग। मैं सबको ये बता रहा हूं कि मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है। मैं सोशल सर्विस में आया हूं, मैं पॉलिटिकल रास्ते से काम करना चाहता हूं। मैं यहां पे मन बना लिया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो आप सब जान लीजिए कि यस, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब ये चाहे जिस माध्यम से हो, बट मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये मेरी अंतःकरण की आवाज है, और क्यों लड़ूंगा ये भी आप जान लीजिए। मैं बहुत सालों से यहां पे अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ, थोड़े बहुत करके कुछ ना कुछ मैं एक्टिव रहा हूं। लास्ट कुछ महीनों में मैं काफी ज्यादा जुड़ा हूं लोगों से, अपनी बात को व्यक्त किया है, अपने लोगों की बात सुनी है, उनको समझने की कोशिश की और अपनी बात समझाने की कोशिश की। इसमें हम दोनों, हम समाज में यानी जनता में और मुझमें एक रिलेशन बिल्डअप हुआ, जिसमें कि काफी सारे भावनाओं का आदान प्रदान हुआ, आशाएं डेवलप हुई, कुछ उम्मीदें जागी, कुछ कमिटमेंट्स बने। और अगर सडनली हम इसी पे काम कर रहे थे कि शायद मेरे विचारधारा के हिसाब से एक पर्टिकुलर पार्टी से मुझे टिकट मिलता और मैं लोगों का सेवा करता और एक बड़े विजन जो देश में चल रहा है। আর এয়া আছিল আই পি এছ আনন্দ মিশ্রৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, অৰ্থাৎ মন্তব্য আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু প্ৰথমে তেখেতে চেলিব্ৰিটি আই পি এছ এইগৰাকী আনন্দ মিশ্ৰই ৰাজনীতিৰ পথাৰত খোজ দিবৰ বাবেই প্ৰশাসনিক উচ্চ পদ ত্যাগ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত অসমৰ পৰা বিদায় লৈছিল আনন্দ মিশ্ৰই। আৰু আনন্দ মিশ্ৰই বিহাৰৰ বাক্সাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল। এই আলোচনা বিলোচনা চলি আহিছিল আৰু তাতেই বিজেপিৰ পৰা, অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে তেখেতক টিকট প্ৰদান কৰিব, প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব, সেই আশাত আছিল। কিন্তু এখনৰ পিছত এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰি গৈছিল আৰু পঞ্চমখন তালিকাটো বিজেপিৰ তালিকাটো, নাম নাখিল আনন্দ মিশ্ৰৰ। আৰু আনন্দ মিশ্ৰৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পাছতেই আনন্দ মিশ্ৰৰ সমৰ্থকে অনুৰাগীয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল। আৰু সেই যি আনন্দ মিশ্ৰৰ অনুৰাগী বা সমৰ্থকৰ যি আহ্বান আছিল, যি আশা প্ৰত্যাশা, আৰু সেই প্ৰত্যাশাৰ বাবে এতিয়া আনন্দ মিশ্ৰই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে মই বক্সাৰ আত্মসন্মানৰ বাবে, নিজৰ আত্মসন্মানৰ বাবে জনতাৰ হকে, জনতাৰ হৈ মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম, দলৰ পৰা নহ'লেও, নিৰ্দলীয় হৈ হ'লেও মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এক প্ৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে এইগৰাকী চেলিব্ৰিটি আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰই, অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বই, ৰাজনীতিৰ পথাৰত খোজ দিবই আনন্দ মিশ্ৰই। এনেদৰে এতিয়া ডাঠি কোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দ মিশ্ৰ। পুনৰবালৈ উল্লেখ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰই প্ৰশাসনিক পদ ত্যাগ কৰিছিল কেৱল মাত্ৰ ৰাজনীতিত খোজ দিবৰ বাবে, অসম ত্যাগ কৰিছিল। অসমৰ এগৰাকী চেলিব্ৰিটি আই পি এছ আছিল, প্ৰথমে নগাঁও, তাৰপিছত লখিমপুৰত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে, তাৰপিছত ৰাজনীতিত খোজ দিবৰ বাবেই তেখেতে দল ত্যাগ, উচ্চ এই যে প্ৰশাসনিক পদ আছিল সেই প্ৰশাসনিক পদ ত্যাগ কৰিছিল। তাৰপিছত বিহাৰৰ বাক্সাৰ লোকসভা সমষ্টিত তেখেতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল আৰু ইতিমধ্যে যি প্ৰচাৰ আছিল আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। সমৰ্থকৰ সৈতে স্থানে স্থানে ঠাইভেদে গৈ তেখেতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে, অৰ্থাৎ বক্সাৰ পৰা তেখেতে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব, ইয়াৰ নিশ্চিত। আনুষ্ঠানিকভাৱে আনন্দ মিশ্ৰই এই কথা উল্লেখ কৰিছে, অৰ্থাৎ সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকৰ জৰিয়তে বা অন্যান্য মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে, আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচন খেলিবই বক্সাৰ হৈ, বক্সাৰ জনতাৰ বাবে তেখেতে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি মন্তব্য কৰিছে এইগৰাকী আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰই। আৰু ইতিমধ্যে তেখেতৰ সমৰ্থকৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু নিৰ্বাচনত এতিয়া অৱতীৰ্ণ যিহেতু হ'বই, কিন্তু এতিয়া জয়ী হ'ব পাৰিবনে নোৱাৰে সেয়া হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয়। আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিজেপিয়ে যিহেতু টিকট নিদিলে, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰা আলোচনা চলি আছে যে বিজেপিৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হ'ব আনন্দ মিশ্ৰ। বক্সাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিয়ে তেখেতক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব, বিজেপিৰ হৈ তেখেতে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব, অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰলৈ যাব, সংসদলৈ যাব, দিল্লীলৈ যাব। এই আলোচনা বিলোচনা চলি থকাৰ মাজতে কিন্তু এখনৰ পিছত এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰি যোৱা হ'ল, বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰা হ'ল। পঞ্চমখন তালিকাটো বক্সাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে আনন্দ মিশ্ৰৰ নাম নাছিল, অৰ্থাৎ বিজেপিৰ আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নামহে ঘোষণা কৰিলে বিজেপিয়ে বা হাইকমাণ্ডে। আৰু তাৰপিছতেই এতিয়া তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে দলে মোক
সমর্থন করক বা নকরক কোন দলে মোক সমর্থন বা সহায় করক নকরক যদি দলর হয় যিকোনো দলর হয় তেখেতে নির্বাচন খেলিব বক্সার বাবে খেলিব প্রয়োজনত নির্দলীয় হয়ে নির্বাচন খেলিব বলি তেখেতে মন্তব্য করা দেখিলে পাওয়া গেছে অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে আর তার পিছতেই এতিয়া নির্বাচনী প্রচার আরম্ভ করেছে আনন্দ মিশ্রই পুনর্বার আনন্দ মিশ্রর সেই বিশেষ ভাষ্য আমি শুনার চেষ্টা করি मैं आपको बताऊं देखिए दिस इज अ डिक्लेरेशन विच आई एम मेकिंग मैं सबको ये बता रहा हूं कि मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है मैं सोशल सर्विस में आया हूं मैं पॉलिटिकल रास्ते से काम करना चाहता हूं मैं यहां पे मन बना लिया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है तो आप सब जान लीजिए कि यस मैं इलेक्शन लड़ूंगा अब ये चाहे जिस माध्यम से हो बट मैं इलेक्शन लड़ूंगा इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए ये मेरी अंतःकरण की आवाज है और क्यों लड़ूंगा ये भी आप जान लियो मैं बहुत सालों से यहां पे अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत करके कुछ ना कुछ मैं एक्टिव रहा हूं लास्ट कुछ महीनों में मैं काफी ज्यादा जुड़ा हूं लोगों से अपनी बात को व्यक्त किया है अपने लोगों की बात सुनी है उनको समझने की कोशिश की और अपनी बात समझाने की कोशिश की इसमें हम दोनों हम समाज में यानी जनता में और मुझ में एक रिलेशन बिल्डअप हुआ जिसमें कि काफी सारे भावनाओं का आदान प्रदान हुआ आशाएं डेवलप हुई कुछ उम्मीदें जागी कुछ कमिटमेंट्स बने और अगर सडनली हम इसी पे काम कर रहे थे कि शायद मेरे विचारधारा के हिसाब से एक पर्टिकुलर पार्टी से मुझे टिकट मिलता और मैं लोगों का सेवा करता और एक बड़े विजन जो देश में चल रहा है उस विजन को और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने की काबिलियत लेके आया था और यहां पे मैं स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करता पब्लिक इंटरेस्ट में वो रास्ता नहीं हुआ लेकिन वो कमिटमेंट तो है लोगों के साथ जो एक मेरा अंडरस्टैंडिंग है जो भाव जुड़ा है उसको मैं कैसे छोड़ूं उसको मैं कैसे दागा दे दूं उसको मैं कैसे कह दूं कि यार जो बात हुई थी बस बात हुई थी टिकट पर डिपेंडेंट था मेरा आपके लिए सर्विस ओरिएंटेशन ये तो गद्दारी होगी ना मुझसे मैं कैसे फिर मेरा गाँव है मेरा घर है मुझे आना है मुझे लोगों से इन्हीं लोगों से मिलना है इनके बीच ही रहना है कैसे कर सकता मैं गद्दारी इसीलिए हमारे सारे लोगों से मैं मिला मैं जहां जहां गया सब लोगों ने मुझे यही कहा कि भैया अब ये जो बात है ये बक्सर के सम्मान की बात है या मेरे पर्सनल सम्मान की भी बात है मेरा पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है मैं इसलिए मैंने थोड़ा वक्त लिया कि देखते हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ना है कैसे करना है तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई इसके रिगार्डिंग कोई गाइडेंस नहीं मिला तो गाइडेंस नहीं मिला तो मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो बैठ नहीं सकता हूं लोग मुझसे रोज पूछ रहे हैं मतलब कि भाई आप क्या कर रहे हो आप हमें धोखा देने वाले हो क्या आपसे बातें हुई थी हमने कुछ सपने देखे थे अपने इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर हमने कुछ प्लान्स बनाए थे उसका हुआ क्या भैया आप क्या कर रहे हैं सारा का सारा यूथ हाउ कैन आई डिच देम तब मैंने फाइनली हमने डिसाइड किया कि नहीं ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ूंगा ये इलेक्शन बक्सर की जनता लड़ेगी मैं सिर्फ एक उनके लिए चेहरा हूं एक नाम हूं एक बड़े से जो दुकान में जैसे बोर्ड बाहर लगता है तो बोर्ड है यहां बक्सर का हर एक बंदा एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है आनंद मिश्र के नाम से दस तो इस बात से मैं अपील भी करूंगा कि यह बक्सर के सम्मान की लड़ाई है मैंने जो प्रण किया था मैंने जो आपसे घूम घूम के जब मिला जब मैं जो भाव व्यक्त किया था उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा आई एम श्योर कि हमारी बक्सर की जनता भी उससे पीछे नहीं हटेगी मैं आपको बताऊं देखिए दिस इज अ डिक्लेरेशन विच आई एम मेकिंग मैं सबको ये बता रहा हूं कि मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है मैं सोशल सर्विस में आया हूं मैं पॉलिटिकल रास्ते से काम करना चाहता हूं मैं यहां पे मन बना लिया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है तो आप सब जान लीजिए कि यस मैं इलेक्शन लड़ूंगा अब ये चाहे जिस माध्यम से हो बट मैं इलेक्शन लड़ूंगा इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए ये मेरी अंतःकरण की आवाज है और क्यों लड़ूंगा ये भी आप जान लियो मैं बहुत सालों से यहां पे अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत करके कुछ ना कुछ मैं एक्टिव रहा हूं लास्ट कुछ महीनों में मैं काफी ज्यादा जुड़ा हूं लोगों से अपनी बात को व्यक्त किया है अपने लोगों की बात सुनी है उनको समझने की कोशिश की और अपनी बात समझाने की कोशिश की इसमें हम दोनों हम समाज में यानी जनता में और मुझ में एक रिलेशन बिल्डअप हुआ जिसमें कि काफी सारे भावनाओं का आदान प्रदान हुआ आशाएं डेवलप हुई कुछ उम्मीदें जागी कुछ कमिटमेंट्स बने और अगर सडनली हम इसी पे काम कर रहे थे कि शायद मेरे विचारधारा के हिसाब से एक पर्टिकुलर पार्टी से मुझे टिकट मिलता और मैं लोगों का सेवा करता और एक बड़े विजन जो देश पे चल रहा है उस विजन को और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने की काबिलियत लेके आया था
और यहां पे मैं स्ट्रॉन्गली इंप्लीमेंट करता पब्लिक इंटरेस्ट में, वो रास्ता नहीं हुआ, लेकिन वो कमिटमेंट तो है, वो लोगों के साथ जो एक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो भाव जुड़ा है, उसको मैं कैसे छोड़ूं, उसको मैं कैसे दागा देता, उसको मैं कैसे कह दूं कि यार जो बात हुई थी बस बात हुई थी, टिकट पर डिपेंडेंट था मेरा आपके लिए सर्विस।